गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3। हमारे पास इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस डिवाइड किए रहते हैं। तो हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3 टू टी रेज पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। हमने क्वेश्चन डिवाइड के लिए राइट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2t रेज पावर 4 है, तो हम चेक करेंगे जो टी स्क्वायर माइनस 3 है हमें बनाना क्या है 2t⁴। तो मैं इसको पहले 2 और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2t⁴ माइनस 6t² जब ये आया तो हम इसको हमारे पास 2t² राइट कर लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो 2t⁴ माइनस 6t² है। तो टी स्क्वायर कौन सी पोजीशन पे है, यहां पे, तो यहां पे 6t² राइट कर लिया। अब हम साइन चेंज करेंगे, जो माइनस प्लस का है वो माइनस में, माइनस का प्लस में, इससे कट गया तो हमारे पास बच गया 2t⁴। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 4t² बचा, बड़े टर्म का साइन प्लस आ गया 9t माइनस 12। अब जो नेक्स्ट रहता है हमारे पास वो है t² माइनस 3। जो t² माइनस 3 लिखा तो अब हमारे पास 3t³ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3t से, हमारे पास आ जाएगा 3t⁴ 9t। तो हम इसको राइट करने के बाद हमें मल्टीप्लाई किया 3t³ माइनस 9t, तो माइनस का 9t आ गया। दोबारा से हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, प्लस के 3t से, तो प्लस 3t राइट कर लिया। साइन दोबारा लगाए माइनस प्लस, इससे ये कट गया, प्लस का 9t माइनस से कट चुका है। हमारे पास लेफ्ट बचा t² माइनस 12। तो अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं t² माइनस 3 को 4 से, तो आता है 4t² माइनस 12। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस के 4 से, तो आ गया 4t² माइनस 12, ये माइनस का और ये प्लस का, कट गया, आंसर 0 आ गया। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अब x² प्लस 3x प्लस 1 3x रेज्ड पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। हम सिंपली पहले लास्ट क्वेश्चन के ही जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x² प्लस 3x प्लस 1 को। हमें बनाना है अब 3x रेज्ड पावर 4। 3x रेज्ड पावर 4 कैसे बनेगा, हमें 3x² से मल्टीप्लाई करना है। 3x रेज्ड पावर 4 बन गया 9x³ प्लस 3x² 3x रेज्ड पावर 4 बना 9x³ प्लस 3x² तो हमें राइट करना है उसको 3x रेज्ड पावर 4 9x³। अब दूसरे ही नंबर पे अब हम 9x³ राइट कर सकते हैं, उसके बाद 3x² तो प्लस का 3x², ये जैसे था वैसे आ गया। जो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 3x² से, तो हमें राइट क्या करना है 3x², तो हम साइन कन्वर्ट करेंगे, जहां यहां प्लस है वहां वहां क्या आ जाएगा माइनस। तो हमने जो 3x रेज्ड पावर 4 से 3x रेज्ड पावर 4 कट कर दिया, 9 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा x रेज्ड पावर 3 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 10x² प्लस 2x प्लस 2, हमारे पास ये आ गया
अब हमें मल्टीप्लाई अगेन करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब हमें बनाना है 4x³। हम करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 4x। जब हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x। हमने मल्टीप्लाई किससे किया? माइनस 4x से। जैसे ही माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 12x² माइनस 4x, तो माइनस का 4x भी आ गया। साइन चेंज करेंगे, जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 4x³ से 4x³ कट हो जाएगा। हमने 4x³ से 4x³ को काट दिया। 12 से जब 10 माइनस करेंगे तो 2x² बचेगा। बड़ी टर्म का साइन प्लस आएगा, बड़ी टर्म का साइन प्लस लगाया। और 4 प्लस 2 क्या होता है? 6, तो 6x प्लस 2 आ गया। क्या आ गया? 6x प्लस 2। अब जो नेक्स्ट रहता है हमें दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई सिंपल 2 से करेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 2। हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया प्लस के 2 से, हमारे पास आंसर आ गया 2x² प्लस 6x प्लस 2। सब्सट्रैक्ट किया प्लस की जगह माइनस, तो सारे के सारे टर्म्स कट गए हमारे पास, जो लास्ट बचा वो 0 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ यहीं पे ही खत्म हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1 एंड x⁻⁵ 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, हमारे पास क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1 x⁻⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमें दोबारा से डिवाइड करना है। हमारे पास टर्म्स रहते हैं x³ माइनस 3x प्लस 1। अब हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो अब हमारे पास हमें डिवाइड करना है किससे? x³ माइनस 3x प्लस 1। हमें बनाना क्या है? x⁻⁵। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? x² से, तो x⁻⁵ आ जाएगा 3x³ प्लस x² तो हम जहां जहां जो जो पावर है वो राइट करते रहे। x⁻⁵ लिखा, माइनस 3x³ है, माइनस 3x³ भी राइट कर लिया, सॉरी क्यूब हो गया, 3x³ भी राइट कर लिया, और उसके बाद x² है, तो उसके बाद हमने x² भी राइट कर लिया, जो आंसर था वो राइट कर लिया हमारे पास। हमने मल्टीप्लाई जो किया है वो x² से किया है। अब हम जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या लगाएंगे? प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये कट गया। इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली बचता है हमारे पास क्यूब, बट माइनस का बचता है। अब x³ स्केयर से स्केयर कट गया, बचा क्या? 3x प्लस 1। अब हमारे पास x³ माइनस 3x प्लस 1 है, यहां पे x³ है, यहां पे माइनस x³ है, तो हमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 से, तो माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1। हमने मल्टीप्लाई माइनस 1 से किया है, और तो हमारे पास आ गया माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1। अब दोबारा से साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, क्यूब से क्यूब कट गया, 3x से 3x, 1 और 1 कितना होता है? 2, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा, और हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया है। तो अब आज हमने
सिर्फ डिवाइड के क्वेश्चंस पढ़े। थैंक यू।